हमारे सामने खूबसूरत सी अदाकारा जो है कल्याणी जी हैं, महाराष्ट्र की हैं ये। कल्याणी जी बहुत स्वागत है रायपुर में। कल्याणी जी, आप तीजा कुलगुरा 2 में काम कर रही हैं, क्या कुछ उसका अनुभव रहा है और कैसे आपको फिल्म मिली बताइए। फिल्म कैसे मिली? दरअसल सर के साथ, जो हमारे डायरेक्टर सर है विजय गुमगावकर सर, सर के साथ मैंने एक मराठी फिल्म की थी वी आर चिरकुट, तो तब सर से मुलाकात हुई थी, मेरी कास्टिंग थ्रू कास्टिंग हुई थी, तो तब सर को मेरा काम पसंद आया था जी। उसके बाद सर अभी छत्तीसगढ़, मुझे इतना भी नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी सर करते हैं जो भी okay. मैं मुंबई में काम करती हूँ। सर का कॉल आया, सर ने कहा कि मैं ऐसा ऐसा छत्तीसगढ़ी फिल्म बना रहा हूँ। मैंने कहा सर ठीक है, तो सर ने कहा आप कर लो। मैं सर लैंग्वेज का हो सकता है प्रॉब्लम आए, तो सर ने कहा अपन डबिंग कर लेंगे बाद में, आप सीख जाओ। मैंने ठीक है, इतना कोई अलग चेंज नहीं है लैंग्वेज में, सिमिलर ही है हिंदी से, थोड़ा लहजा और थोड़ा वो है, तो बोले आप कर लोगे तो टेंशन नहीं है। तो बोले सर ठीक है, अगर आप तो, कह रहे हैं तो मैं आ जाती हूँ, तो करते हैं साथ में। तो कितने दिन की शूटिंग आपने कर ली है और क्या अनुभव रहा आपका? शूटिंग मैंने तो मेरा 4-5 दिन का हुआ है फिलहाल शूट, हमारा बीच में शूट रुक गया था, तो अच्छा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि सर के साथ मैं पहले फिल्म कर चुकी हूँ, तो टीम सारे काफी सारे लोग जान पहचान के ही है, मेरे टीम मेंबर्स और सारी चीजें, तो शूट करने में तो मजा आया ही, घर जैसे ही लगा यहाँ आके भी। अब रायपुर नागपुर सब आसपास ही है, हाँ। अच्छा, किस तो, तरह का आपका उसमें रोल है? चुलबुली लड़की बनी है कि गृहिणी बनी है कि क्या है? नहीं, दरअसल मैं फिल्म में बनी हूँ करण सर की बहन, ओके, और मैं बहुत ही सिंपल सी गांव की लड़की हूँ, पढ़ाकू हूँ, जो एक भाई चाहता है अपनी बहन को पढ़ाना चाहता है, उसे शहर भेज के बहुत बड़ा कुछ करना चाहता है, बट उसी बीच मेरी शादी हो जाती है, पर मैं बहुत सादी सिंपल सी एक लड़की दिखाई हूँ, बाद में मेरी शादी हो जाती तब भी मैं एक सादी सिंपल सी गृहिणी हूँ। इस फिल्म के अलावा और भी कोई प्रोजेक्ट कर रही है आप अभी? प्रोजेक्ट्स, हाँ, लाइनअप है मेरे हिंदी में है लाइनअप को प्रोजेक्ट, और सीरियल्स के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ, और ऑफ कोर्स छत्तीसगढ़ अभी तो आ गई हूँ, तो यहाँ फिल्में और करूंगी, और नेक्स्ट टाइम तो पक्का मैं छत्तीसगढ़ी में बात करना सीखूंगी।